गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल। तो देखिए, आज का सेशन जो है आपका साइंस का है, क्योंकि आज क्या है, वेनसडे है। तो वेनसडे जो सेशन है आपका 3 से 4 का, वो है साइंस का। तो हम इसमें साइंस के फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को डील करने जा रहे हैं। तो उससे पहले जो है, प्लीज़ लाइक और शेयर। देखते हैं कितने शेयर आप करते हैं, कितना लाइक करते हैं वीडियोज़ को। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियोज़ और द चैनल, ठीक है। सबसे पहली डिजीज़ जो है, रानीखेत डिजीज़ अफेक्ट्स, रानीखेत डिजीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा किसको अफेक्ट करती है? डॉग्स, आपका काऊ, या फिर आपका शीप या पोल्ट्री। देखिए, रानीखेत डिजीज़ जो है डॉग्स के अंदर होती है रेबीज। डॉग्स में कौन सी बीमारी होती है? रेबीज। तो आपका एक सेकेंड, रेबीज, ठीक है, जिसको कौन करता है? रेबियोला वायरस को। काउस, काउज और शीप में कौन सी बीमारी होती है? इसको आप बोलते हैं रिंडर पेस्ट। कौन सी होती है? रिंडर पेस्ट, ठीक है। काउज में कौन सी होती है? रिंडर पेस्ट। और इसको बोवाइन, एक और होती है रिंडर पेस्ट, जिसको किसकी वजह से होती है? पैरा मेग्जो वायरस, ठीक है। पैरा मेग्जो वायरस वायरन, ठीक है, या फिर इसको मॉर्बिली वायरस भी कहते हैं, मॉर्बिली वायरस। तो ये तो हो गया आपका कौन सा? काउज यानी कैटल्स के अंदर। तो अब बोला गया है कि आपका शीप के अंदर भी हो सकती है, काउ के अंदर। अब है पोल्ट्री, रानीखेत डिजीज जो है ये पोल्ट्री या और बर्ड्स में होती है। इसको जो है आपका पैरामिक्सो वायरस, ये कौन करता है? आपका पैरामिक्सो वायरस ही, ये भी वायरल डिजीज़ है, ठीक है। ये कौन है? वायरल डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजडम टिथ अपियर्स इन द ह्यूमन बीइंग बिटवीन, बुद्धिदांत जिसको अक्कल दांत भी बोलते हैं, वो कब आती है, किस एज में आती है? 10, देखिए, 8 ईयर्स एट एंड 8 ईयर्स ऑफ द एज जिनके परमानेंट दांत आने शुरू हो जाते हैं, 10 ईयर से 17, ये तो स्कूल गोइंग क्लासेस होती हैं। तो इसके अंदर जो है आपके विजडम टीथ या तब नहीं आता, 30-40 एज जो होती है, दैट इज इन द एज ऑफ, जिसको बोल सकते हो नॉर्मल एज होती है, एडल्ट्स की एज है, तो ये नहीं है। आंसर इज 17 ईयर्स और 20 ईयर्स ऑफ द एज के बीच में आपका अक्कल दाढ़ आ जाती है, विजडम टूथ। कब आता है? विजडम टूथ 72 आपका 20 ईयर्स। आप एक चीज़ और बताते हो, टूथ जो होता है, टूथ में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? आई सी पी एम, आई सी पी एम, इंसीजर्स, केनाइंस, प्री मोलर्स, मोलर्स। तो ये जो होते हैं हमारे, कितने दांत होते हैं? 32। कितने होते हैं? 32। तो ये जो है आपका कि अक्कल दांत जो है ये मोलर्स के पीछे आती है, ठीक है। तो विजडम टूथ जो है आपका कब आता है? 17 to 20 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिकम्पोजिशन ऑफ मैटर टेक प्लेस। देखिए, जब भी कोई भी चीज़ सड़ेगी, गलेगी, उसमें सबसे पहले क्या आएगा? बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, ऑल आर पैथोजन्स, ठीक है। एल्गी, थैलोफाइट्स, फंजाई की स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी, और इसकी प्लांट बॉडी को बोलते हैं हाइफी। वायरस, वायरस जो होता है दैट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग, और आंसर इज बैक्टीरिया। देखिए, कोई भी डिकम्पोजिशन हो रही है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर की हो रही है। तो जब डेड एंड डिकेइंग मैटर होगा तो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जो इफेक्ट करेगा वो है बैक्टीरिया। आंसर इज बैक्टीरिया, ठीक है। और जब कौन करता है? डेड इंडिकेटिंग मैटर की जब आपकी क्लीनिनेस हो जाए तो उससे क्या होगा? उससे आपका, जिसको आप बोल सकते हो, डिजीजेस जो होती हैं, जैसे डिकम्पोजिशन होगा तो जो ऑर्गेनिजम्स करते हैं इनको हम स्क्वेंजर्स भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये फंजाई, वायरस, एल्गी, ये इतना नहीं करते जितना डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया करता है। बाइल इज सिक्रीटेड बाय, बाइल कहाँ, कौन सिक्रीट करता है? तो बाइल को देखिए, लीवर, पेनक्रियाज, इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि हमारे ब्लड लेवल को मेंटेन करता है, ब्लड लेवल को,
स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाइज होते हैं इस तरह से, ये विलाइज होते हैं, ये विलाइज जो है इनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से सारा फूड यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, और जो आपका बोलते हैं एक्स्ट्रा मटेरियल या एक्स्ट्रा दैट गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, तो स्टमक, स्टमक जो है दैट इज़ द मेन पार्ट जहाँ पे फूड जो है पहुँचता है थ्रू पेरिस्टाल्सिस, 3 to 4 आवर्स लगता है, ठीक है, स्टमक जहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट होती है, तो ये नहीं है आंसर इज लीवर, बाइल जो है वो कौन सिक्रीट करता है, लीवर, और आपका जो स्टोर्ड कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, दैट इज टू मल्टीप्लाई द फैट्स, ठीक है, और ये याद रखना लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। नेक्स्ट आता है पोलियोमिलाइटिस विच कॉजेज पोलियो इज स्प्रेड बाय, जो आपका पोलियो होता है पोलियोमिलाइटिस, कौन जो पोलियोमिलाइटिस है, इट्स अ एजेंट विच कॉजेज पोलियो, ठीक है, तो ये कौन स्प्रेड करता है, किसकी वजह से होता है, मॉस्किटो, मॉस्किटो की वजह से तो मलेरिया हो सकता है, ठीक है, वाटर की वजह से कॉलरा हो सकता है, एडल्ट्रेटेड फूड की खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है, पोलियो मेलाइटिस विच कॉजेज पोलियो इज स्प्रेड बाय वायरस, ये क्या है आपका वायरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल, इसमें से कौन सा मेटल है, मेटल क्या है, कार्बन दिस इज नॉन मेटल, ठीक है, सल्फर दिस इज नॉन मेटल, आर्सेनिक दिस इज नॉन मेटल इन द फॉर्म ऑफ मेटलॉइड्स, सबसे ज़्यादा पॉइजनस क्या है, आर्सेनेट, जो कि कहाँ से सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, ग्राउंड वाटर की कंटेमिनेशन से, ग्राउंड वाटर से, सल्फर जो है ये हमें पाइन से मिल सकता है, ठीक है, कार्बन प्लांट्स की रेस्पायर करते हैं, तो आंसर मेटल जो सबसे, इसमें मेटल कौन सा प्रॉपर, दैट इज पोटेशियम, ठीक है, तो आंसर इज पोटेशियम, इट्स हाईली रिएक्टिव ऑल्सो, ये भी सोडियम की तरह जो है कैरोसिन में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज, देखिए जेनेटिकली मीन्स जीन्स के थ्रू, जो ऐसी डिजीज जो जीन्स के ट्रांसफर से होता है, यानी जीन्स का हेर फेर करना, मायोपिया नहीं, मायोपिया जो है ये कंकेव लेंस से ठीक होता है, इसको क्या बोलते हैं आप, फार साइटेडनेस बोलते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस नहीं, इसको हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है, तो कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस जो है एक तरह से जेनेटिकली ट्रांसमिटेड, कि जो अपने किसको कलर को नहीं पहचान सकते, ठीक है, जो रेड एंड ब्लू में रेड एंड वॉलेट की पहचान नहीं कर पाए, दैट इज कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस। हाउ डज वी डिसाइड रिमूव वीड्स, वी डिसाइड जो होता है, वी डिसाइड होता है ऐसा स्प्रे या ऐसा केमिकल विच इज यूज टू रिमूव द वीड्स, इट रिमूव्स द वाटर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, इट डिस्ट्रॉयज द रूट्स ऑफ द वीड्स, या इट डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ वीड्स, ऑल ऑफ द अबव, देखिए जो वीडिसाइड, हाउ डज वीडिसाइड रिमूव्स द वीड्स, वीड्स होते हैं, होते क्या है वीड्स, अनवांटेड खरपतवार जिसको आप बोलते हो, अनवांटेड प्लांट्स जो है एक जगह पे लग जाते हैं, ठीक है, अनवांटेड प्लांट्स का लगना इज कॉल्ड वीडिसाइड, मतलब उस वीड्स, और ये क्या करते हैं क्रॉप की प्रोडक्शन को रोकते हैं, जिसके लिए हम सबसे मेजर यूज करते हैं 2,4-D, तो इज अ वीडिसाइड, ये एक वीडिसाइड, बीज जो है वो वीडिसाइड्स जो है बीज को रिमूव करते हैं, तो इट रिमूव्स द वाटर रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ, कि ये विकास के लिए आवश्यक पानी को हटा देता है, इट डिस्ट्रॉयज रूट्स ऑफ द बीज, या इट डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बीज, तो आंसर इज सबको, वाटर रिक्वायर्ड भी जो है उसको भी रिमूव करेगा, वीड्स की रूट्स को भी इसको डिस्ट्रॉय करना, तो इससे बेटर है वीड्स रिमूव कैसे होंगे, ऑल ऑफ द अबव।
विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डू नॉट पॉल्यूट एयर। देखिए कौन सी ऐसी गैस है जो पॉल्यूट नहीं करती एयर को। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर शावर्स की वजह से फाइन, कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल से निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है आपका ये भी पॉल्यूट करता है, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो होते हैं ये आपके क्या कहते हैं, आपकी एसिड रेन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा कि डू नॉट पॉल्यूट, तो देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपके एयर को पॉल्यूट करता है, या फिर आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये ऑटोमोबाइल से निकलता है, ऑटोमोबाइल से निकलता है, जिसकी वजह से ये जो है सबसे ज़्यादा एरिया ट्रांसपोर्ट का इफेक्ट करता है, कहाँ पे, ऑटोमोबाइल्स में। तो ये कौन सा है जो पॉल्यूट नहीं करता, तो देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं करता, सल्फर भी नहीं करता। अब कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूट कर रही है, या फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि टेम्परेचर को रेज कर रही है, सिर्फ ये टेम्परेचर को बढ़ा रही है, पोल्यूट नहीं कर रही। तो आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल से निकलता है, जब अगर ऑटोमोबाइल से निकलता है तो ये हमारे एयर को पॉल्यूट तो करेगा ही करेगा, ठीक है, और हमारी ब्लड के साथ भी मिक्स हो जाएगा, तो ठीक है ये पॉल्यूट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। वैसे तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड को बोलो, पर कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली जो है ये ट्रांसपोर्ट एरिया से, यानी अर्बन एरियाज में सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड है जो एयर पे जाएगी, एयर से ये हमारे अंदर एंटर करेगी, हमें सफोकेशन करेगी, कहीं ना कहीं हमें हमारी बॉडी पे इफेक्ट करेगी। नेक्स्ट आता है, विच फॉर्म ऑफ द गोल्ड इज सॉफ्टेस्ट, सबसे सॉफ्टेस्ट गोल्ड कौन सा है, 16 कैरेट, 18 कैरेट, या फिर 20, या फिर 22। सबसे प्योर गोल्ड और द सॉफ्टेस्ट गोल्ड होता है आपका 22, ठीक है, 20 नहीं, 18 कैरेट नॉर्मल होता है, 16 नहीं, 22। बैरोमीटर मेजर्स, बैरोमीटर्स क्या मेजर करता है, विंड वेलोसिटी, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अमाउंट ऑफ रेनफॉल या एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। देखिए जो आपका बैरोमीटर है वो क्या, विंड वेलोसिटी नहीं, अमाउंट, देखिए रेनफॉल के लिए रेनफॉल रेन गॉज होता है उसको मेजर किया जाता है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर नहीं, आंसर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये किसने दिया था, ये दिया था टॉरसिली। एनीमोमीटर मेजर्स, एनीमोमीटर अमाउंट ऑफ रेनफॉल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एवरेज आपका ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एवरेज, ये एम्परेज लिखा है, ठीक है, यानी बिजली के करंट का एम्परेज करना, एम्परेज मतलब यूटिलाइज करना। तो एनीमोमीटर रेनफॉल को नहीं करता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नहीं करता या करंट को नहीं करता, ये क्या करेगा, विंड वेलोसिटी को, हवा की गति को इफेक्ट कौन करता है या मेजर कौन करता है, आपका विंड वेलोसिटी। नेक्स्ट स्फिग्नोमैनोमीटर मेजर्स, स्फिग्नोमैनोमीटर क्या मेजर्स करता है, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, हीट ऑफ केमिकल नहीं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट नहीं, डिस्टेंस कवर्ड और स्टेप्स टेकन बाय द पर्सन नहीं, आंसर इज ब्लड प्रेशर। ये किसको मेजर करता है आपका स्फिग्नोमैनोमीटर, ब्लड प्रेशर, और एक नॉर्मल का होता है 120/80। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेबल्स कैन बी क्विक क्विकली इन द प्रेशर कुकर बिकॉज, आप सब्जियां जो हैं वो प्रेशर कुकर पे जल्दी बन जाती हैं क्योंकि स्टीम कैन बॉयल वेजिटेबल्स फास्टर देन वाटर, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन प्रेशर, हाई प्रेशर लोअर्स द बॉइलिंग पॉइंट या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए भाप सब्जियों को पानी की तुलना में तेजी से उबाल सकती है, दबाव में वृद्धि के साथ उबलते बिंदु बढ़ जाती है या उच्च दबाव उबलते बिंदु को कम कर देती है, तो ये आएगा उपरोक्त सभी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इन ऑल एसिड्स, सबसे ज़्यादा कॉमन एसिड्स में क्या होता है? एसिड्स होते हैं सॉल्ट जो एच पॉजिटिव आइंस देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉमन टू ऑल एसिड्स, जितने भी एसिड्स हैं उनमें सबसे कॉमन क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका जो है नाइट्रोजन नहीं होगा ऑक्सीजन नहीं होगा, आंसर इज हाइड्रोजन, क्योंकि एसिड्स जो है ये एच पॉजिटिव आइंस देते हैं, और एच पॉजिटिव आइंस जो है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइंस, यानी हाइड्रोजन जो है अगर एसिड के साथ लगाए तो वो मेजर मिनरल एसिड बनाता है, आपका HCl, H2SO4 और आपका HNO3, उसके बाद बाकी जो है वो नॉर्मल है, इनऑर्गेनिक है, ये सारे ऑर्गेनिक है मिनरल जिसको बोल सकते हैं। वन ऑफ द मेन कंस्टिट्यूंट ऑफ गोबर गैसेस, गोबर गैस का सबसे बड़ा कंस्टिट्यूंट यानी किससे बनती है गोबर गैस, तो थाइमाइन, थाइमिन जो है दैट इज द, आप इसको एक तरह से कहते हैं कि ये आपके जब डीएनए के न्यूक्लिक एसिड्स होता है तो वहाँ पे थाइमिन जो होता है वो क्या करता है, वो एक्ट एज ए प्यूरिन, जिससे क्या होता है वो किसके साथ पेयर करता है, ग्वानिन के साथ, ठीक है, साइटोसिन के साथ पेयरिंग करता है। तो थायमिन ही न्यूक्लिक एसिड्स में यूज और ग्रुप्स में यूज करते हैं। फॉस्फेट्स, फॉस्फेट जो है दैट इज एक्ट एज अ बोन्स मेंटेनेंस, कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन ऑफ द प्लांट्स, इनके लिए यूज किया जाता है। तो आंसर इज मिथेन, मिथेन का मतलब है मार्श गैस। और ये जो आपका गोबर गैस है इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं दैट इज काउ डंग, ठीक है। द लॉन्गर द वेवलेंथ ऑफ द प्रॉन्ग ऑफ अ ट्यूनिंग फोक इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी ट्यूनिंग फोक की उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो होगी वो होगी हायर, क्या होगी आपकी, हायर। हायर, ठीक है। एक ट्यूनिंग काटा की शूल की लंबाई जितनी लंबी होती है वही कंपन की आवृत्ति होती है, तो दैट इज हायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ द वेव देयर इज नो फ्लो ऑफ एनर्जी, ऐसी कौन सी तरंगे है जहाँ पे कोई एनर्जी का फ्लो नहीं होता है, लॉन्गिट्यूडनल लेंथ, ट्रांसवर्स ऑब्लिक, प्रोग्रेसिव मूव ऑन और स्टेशनरी, स्टेशनरी होता है स्टेबल, तो आंसर इज स्टेबल। व्हाट इज इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस क्या होती है, देखिए इंटरफेरेंस होती है कि जब दो वेव जो है एक दूसरे के साथ सिंपल सुपर इम्पोज करें बट का जो एम्पलीट्यूड होना चाहिए वो सेम होना है, दो वेव्स आई दोनों वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन से आएंगी, जब एक दूसरे के साथ जुड़ेंगी तो उनका एम्पलीट्यूड जो होता है वो सेम होता है, वो टकराएंगी नहीं, और क्या होगा आपका इंटरफेरेंस, टू वेव्स ऑफ डिफरेंट ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, टू वेव्स ऑफ सेम, तो सबसे पहली चीज़ है सेम एल्टीट्यूड एम्पलीट्यूड आया, दो वेव्स आई हैं जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो आंसर इज आपका बी, आंसर इज बी। व्हाई डज डायमंड शाइन सो ब्राइटली, डायमंड जो है वो इतनी क्यों मतलब जैसे शाइन करता है, तो आपका जो डायमंड है ये क्यों शाइन करता है इतना, देखिए कई फिनोमिनल्स होते हैं, आपको पता है इसका ये जो है ये किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, रिफ्रैक्टिविटी पे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2.42, ठीक है। तो डायमंड शाइन सो बिकॉज ऑफ, इसलिए शाइन करता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन, देखिए वैसे तो जो उसकी ब्राइटनेस है डायमंड की वो तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, रिफ्लेक्शन, रेयरफैक्शन और आपका डिस्पर्शन, ठीक है। तो अगर यहाँ पर पूछा है कि क्यों, तो ऑब्वियसली इसका जो रीज़न आएगा दैट इज़ फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, की जो लाइट पड़ेगी उतनी ही लाइट वापस आएगी, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
Which one of the following colors suffers maximum deviation after dispersal through prism? Prism, आपको पता है prism से जब light pass होती है that splits into seven colors. तो सबसे ज़्यादा जो maximum deviation होती है वो किसकी होती है? तो maximum deviation जो होती है वो होती है violet की. किसकी होती है? Violet की. और minimum होता है red. ठीक है. If in case of convex lens the objective is at infinity, then अगर मान लो convex lens है और object बहुत दूर पड़ा है तो इमेज कैसी होगी? दैट इज रियल, डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड, रियल एंड हाईली, वर्टिकल एंड डिमिनिश्ड, या नन ऑफ द अबव. तो देखिए जब भी होगा इन्फिनिटी पे तो इमेज रियल बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी. आंसर इज इन्वर्टेड. देखिए अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, आज आपको ऐसा लग रहा होगा मैम कैसे पढ़ा रहे हैं, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि आज कुछ तबीयत मेरी ठीक नहीं चल रही है. रीज़न है तबीयत कुछ हेल्थ, आज ड्यू टू सम हेल्थ इशू शायद तबीयत नहीं ठीक है, तो शायद मैं आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम क्या पढ़ा रही है. तो आज के लिए इतना कीजिए, एक दिन का रेस्ट होगा तो अपने आप मैं ठीक हो जाऊँगी. नेक्स्ट आता है आपका द पावर ऑफ टेलीस्कोप टू सी टू ऑब्जेक्टिव डिस्टिंक्टली इज कॉल्ड एज. अगर हम बात करें यहाँ पे कि दो उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए हम कौन सी पावर को यूज़ करते हैं, अगर देखा जाए तो दो को पावर को यूज़ करने के लिए डिस्पर्सिव पावर, मैग्नीफाइंग पावर या रिजॉल्विंग पावर. तो ये जो आएगी आपकी पावर टू सी टू ऑब्जेक्टिव डिस्टिंक्टली, तो इसको हम बोलते हैं आपकी मैग्नीफाइंग पावर नहीं बोलते, रिजॉल्विंग नहीं बोलते, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर. मतलब मीडियम जिसमें लाइट रेज जो होती हैं वो डिस्पर्स हो जाती हैं. ठीक है. रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? एक ऑप्टिकल रिजॉल्विंग मतलब जो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से जितने भी रेडियो वेव्स या माइक्रोस्कोप है इनमें स्मॉल डिटेल्स ऑफ सेम ऑब्जेक्ट. ठीक है. व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस? लेंस की क्या होती है? देखिए कैंडेला जो होती है वो ल्यूमेन की होती है. यहाँ से चलते हैं. लक्स की जो होती है दैट इज द यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन. ठीक है. ये जो है आपकी मीटर एरिया, डायोप्टर लेंस, कैंडेला जो है इल्यूमिनेंस को शो करता है. तो आंसर इज डायोप्टर. ठीक है. ये क्या है आपका डायोप्टर? देखिए क्या डिफरेंस है आपका कैंडेला में, ये जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करती है. ठीक है. और लक्स जो है आपका यूनिट जो कि सरफेस पे अटैक करता है, सरफेस पे. ठीक है. तो इसलिए हम जो है व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस, दैट इज डायोप्टर. तो ये था आज का सेशन. आई होप कि आपको अच्छा लगा. अगर आज अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना. ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता लेट्स लर्न विद मी. लाइक शेयर करना मत भूलना. आई होप कि आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं. अगर तो सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए. आज अगर ढीला लगा है तो उसकी कमी हो सकता है, हेल्थ इशू है जिसकी वजह से हेल्थ तबीयत ठीक नहीं है, तो जिसकी वजह से शायद आपको आज ढीला लगे लेक्चर, पर कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा. एक दिन का रेस्ट चाहिए. तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच पूजा गुप्ता लेट्स लर्न विद मी. तो आज के लिए इतना ही. बाय बाय.